तो हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपेरिजन करने जा रहा हूँ बोट स्टोन 850 ब्लूटूथ स्पीकर वर्सेस यहाँ पे आपको बोट स्टोन 350 ब्लूटूथ स्पीकर की। दोस्तों, यहाँ पे आपको प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको जो बोट स्टोन 850 ये आपको 3000 रुपीज में आता है, बट आपको यहाँ पर जो बोट स्टोन 350 स्पीकर है वो आपको ओनली 1500 रुपीज में आता है। और काफ़ी अपने टाइम का पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर है, आपको आउट ऑफ स्टॉक भी चल रहा था, अभी आई थिंक स्टॉक में आ गया, तो आप इसको परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट पर जाकर। बाकी दोस्तों, कई भाइयों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि आप इन दोनों कंपेरिजन वीडियो बनाओ, तो मैं यहाँ पे कंपेरिजन वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आपको इसके अनबॉक्स कुछ डिफरेंसेस की जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको जो बोल्ट स्टोन 850 है वो आपको यहाँ पे 16 वाट की आउटपुट रेटिंग के साथ ये आता है, जो कि आप देख सकते हो। बट यहाँ पे हमारा जो बोल्ट स्टोन 350 वो आपको यहाँ पे 10 वाट की आउटपुट रेटिंग के साथ ही आता है। दोनों में ही आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन की, तो वो भी आपको ब्लूटूथ वर्जन दोनों में ही सेम देखने के लिए मिलती है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे IPX रेटिंग की, तो यहाँ पे आपको जो बोट स्टोन 850 इसमें आपको IPX 6 की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पे आपको जो बोट स्टोन 350 इसमें आपको IPX 7 की वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट देखने के लिए मिलती है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको TWS का ऑप्शन, तो TWS का ऑप्शन आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाती है। एक साथ आप दो स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही स्टीरियो म्यूजिक आनंद ले सकते हो। बट दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे आपको बैटरी की, तो बैटरी आपको इसमें बोट स्टोन 850 में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी, जो कि आपको कंपनी क्लेम करती है 13 घंटे की प्लेबैक टाइम देगा। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसमें मेरे को 4 घंटे की प्लेबैक टाइम दी है एट फुल वॉल्यूम पे। बट आप इसके अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तो बैटरी बैकअप आपको और बढ़ सकती है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको बोट स्टोन 350 की बैटरी की, तो इसमें आपको बैटरी जो देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे 2200 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको कंपनी क्लेम करती है यहाँ पे आपको 12 घंटे की नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम। बट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसमें मेरे को यहाँ पे 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप दी है, तो बैटरी बैकअप मेरे को इसके अच्छी से हिसाब से ठीक ठाक लगा, क्योंकि बैटरी बैकअप काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाती है। बट यहाँ पे वॉल्यूम को जैसे डिक्रीज करोगे तो आपको बैटरी बैकअप और बढ़ सकती है दोनों में ही। साथ ही दोनों में आपको यहाँ पे पैसिव रेडिएटर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो। और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलती है ओनली आपको यहाँ पे बोट स्टोन 850 में। यहाँ पे मैं जो बोट स्टोन यहाँ पे 350 इसमें मैं माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलती है, तो ये एक आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हमें यहाँ पे बोट स्टोन 850 में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें मैं ओनली ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलती है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती है, मेमोरी कार्ड का यहाँ पे पोर्ट, जो कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात करेंगे तो ये हमें ओनली यहाँ पे बोट स्टोन 850 में देखने के लिए मिलती है। अगर उसको 15 मिनट चार्ज करते हो तो आपको 150 मिनट की प्ले बैक टाइम ये देने वाला है। बात करेंगे इन दोनों की आपको बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में डिफरेंसेस की, तो आप देख सकते हो दोनों के डिजाइन मेरे को काफ़ी सिमिलर लगा। बाकी यहाँ पे आपको साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको हल्का सा लंबा आता है, आप देख सकते हो बोट स्टोन 850। बाकी जो रेडियस है ये आपको यहाँ पे बोट स्टोन 350 का काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो एक हाथ बड़ा ये आपको आ जाता है। दोनों ही आपको पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। साथ ही दोनों में आपको स्ट्रैप देखने के लिए मिल जाती है, दोनों की यहाँ पे आपको प्लास्टिक और हल्का यहाँ पे रबराइज मटेरियल का यूज किया गया है। साथ ही सामने कोई फैब्रिक मटेरियल का यूज किया गया है। तो चलिए हम लोग दोनों में म्यूजिक प्ले करके देखते हैं कि आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। तो मैं यहाँ पे एक के बाद एक प्ले करूँगा ताकि आप लोग इसके साउंड क्वालिटी का अंदाजा और अच्छी तरह से मिल सके। आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ईयरफोन या हेडफोन का यूज करो, ताकि आपको इसके साउंड क्वालिटी का अंदाजा और अच्छी तरह से मिल सके। तो चलिए हम लोग इन दोनों में म्यूजिक प्ले कर लेते हैं एक एक करके। फुल वॉल्यूम है ये इसकी, फुल वॉल्यूम पे बज रहा है। Maximum volume.
तो गाइस ये सुना आपने इसका साउंड क्वालिटी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वो लाउडनेस की, तो यार लाउडनेस भी मेरे को यहाँ पे बोडस्टोन 350 की ज़्यादा बेटर लगी है एज कम्पेयर टू बोडस्टोन 850। और बात करेंगे बेस की, तो बेस भी मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्यों बट बोडस्टोन 350 का ज़्यादा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू बोडस्टोन 350। हाँ बस एक चीज़ यहाँ पे आपको ये मात खा जाता है, यहाँ पे कुछ बात करेंगे क्लैरिटी की, तो यहाँ पे कुछ बोडस्टोन 350 है इसमें आपको माइनस डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलती है एट फुल वॉल्यूम पे, बट यहाँ पर आपको जो बोडस्टोन 850 है इसमें आपको डिस्टॉर्शन उतना देखने के लिए नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू बोडस्टोन 350। बट बाकी दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आपको लाउडनेस और बेस की, तो मेरे को दोनों ही आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है बोडस्टोन 350 में। तो यार तो वैसे यहाँ पे आपको दो ही रीजन बनता है बोडस्टोन 850 बोलते तो स्पीकर परचेज करने का। एक पहला आता है आपको यहाँ पे क्लैरिटी, और दूसरा रीजन जो बनता है आपको इसकी टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट, जिससे कि इसको ये फास्ट चार्ज भी करता है। अगर आप इसको 15 मिनट चार्ज करते हो तो आपको ये 150 मिनट की लेवल टाइम देता है। बाकी कोई भी रीजन नहीं बनता है कि आप इसके अपना 1500 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करो मेरे ख्याल से। आप बोडस्टोन 350 जाकर परचेज कर लो, काफ़ी बेस्ट स्पीकर है मेरे ख्याल से, अंडर 2000 का ये बेस्ट स्पीकर मैं इसको मानता हूँ बोडस्टोन 350 बोलते स्पीकर को अब भी। तो यार चलिए ये था छोटा सा कॉम्पेरिजन वीडियो बोडस्टोन 850 बोलते स्पीकर वैसे यहाँ पे आपको बोडस्टोन 350 बोलते हैं स्पीकर की। आई होप ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो यार प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दी। तो गाइस चलिए अगर आपको इन दोनों ही स्पीकर से जुड़ी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। और आप बताओ कि मेरे को कि बोडस्टोन 850 के साथ और किसका कंपैरिजन चाहिए, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो जल्द ही लाकर देने की। तो यार चलिए ये था छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बोडस्टोन 850 ब्लूटूथ स्पीकर वैसे यहाँ पे आपको बोडस्टोन 350 ब्लूटूथ स्पीकर की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो बेल आइकन होगा उस प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इसी तरह के नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो यार चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।